हाय गाइस, मैं हूँ ज्योति और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी हाई रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे पास ढेर सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम, हमारे चेहरे पे काले दाग धब्बे हो गए हैं, झाइयाँ आने लगी हैं, समय से पहले झुर्रियाँ हो गई हैं आँखों के पास, यहाँ पे फेस के पास हो जाती हैं, पिम्पल्स से हमारा चेहरा भर गया, हम ऐसा क्या लगाए कि हमारी ये प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए। दोस्तों, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी जिससे आपके चेहरे पे अगर काले दाग धब्बे हैं तो वो खत्म हो जाएंगे, आपको समय से पहले झुर्रियां आने लगी। जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा कि उनकी एज तो होती है 30 साल, लेकिन लगते वो 40+ के, 40 के लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि वो अपनी स्किन की केयर नहीं करते। या फिर आपको पिंपल्स आने लगे हैं, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, एक तरीके से आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी और आपकी स्किन बहुत सुंदर बनेगी। प्राकृतिक नेचुरल ही आपकी जो है स्किन में सुंदरता आएगी, आपका रंग फेयर होगा, साथ साथ आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम खत्म होने के बाद आपका चेहरा ग्लोइंग यानी कि चमकदार बनेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसा, आपको बस आपको हो सकता है कि पता हो उस चीज़ का, लेकिन उसको ठीक तरीके से कैसे इस्तेमाल करना ताकि हमें उसके फ़ायदे मिल सके, वो मैं आज आपको बताने वाली। तो आज दोस्तों, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ एलोवेरा जेल। आज के टाइम में एलोवेरा जेल के फायदे कौन नहीं जानता, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या आपको प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकता है, किस तरह से यूज करने से। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आती है, फेस पे केयर ना करने की वजह से डस्ट वगैरह जमा हो जाता है, क्योंकि हम हमारी स्किन की केयर नहीं करते, हमारे चेहरे पे दाग धब्बे आने लगते हैं, अजीब अजीब दाग बनने लगते हैं जगह जगह पे, हमारे चेहरे पे झाइयाँ होने लगती हैं। सबसे फर्स्ट आपको थोड़ा एलोवेरा जेल लेना है, और एलोवेरा जेल लेने के बाद आपको अपने चेहरे पर करना है 5 से 7 मिनट के लिए मसाज। अब आपने इस तरीके से फेस पर लगाया, आपको फेस पे कोई मेकअप नहीं होना चाहिए, मैंने कोई भी फेस पे मेकअप किया नहीं है, बस मैंने मेरे फेस पे जो है थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई है होठों पे, ताकि थोड़ी सी फेस पे ग्रेस लग सके, बाकी आपको अपना फेस नॉर्मल ही रखना है। आपने करना क्या है, इस तरीके से लगाया और 5 से 7 मिनट आपने नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से मसाज करना है दाग धब्बों के लिए। ये हो गया दाग धब्बों के लिए, आपको 5 से 7 मिनट ऐसे करना है मसाज। इसके बाद आता है अगर आपको चेहरे पर झुर्रियाँ हो गई हैं समय से पहले, आपकी स्किन ढीली पड़ने लगी, तो आपने करना क्या है, आपको अगर दाग धब्बे हैं तो किसी भी टाइम आप अपनी स्किन पे 5 से 7 मिनट मसाज करें, कुछ देर अपने चेहरे पे इसको लगा हुआ छोड़ दे, या फिर आप लंबे टाइम के लिए भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा जेल कोई बुरी चीज तो है नहीं। दूसरी चीज, अगर झुर्रियां हैं तो आपको करना क्या है, इसको अपने फेस पे लगा के, इवन मेरे फेस पे लगा हुआ है, आपको नीचे से ऊपर मसाज करनी है ताकि आपकी स्किन टाइट बनी रहे। रात को सोने से पहले 5 से 7 मिनट डेली आपको इसे करना है मसाज। आईज़ एरिया पे इस तरह से करना है, क्योंकि यहाँ पे भी हमें झुर्रियाँ आ जाती हैं। इस तरीके से आपको मसाज करना है आँखों के पास, ताकि आपके यहाँ पे आईज़ के पास की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएं। अच्छी तरह से फोरहेड पे लगाना है आपको, इस तरह से नीचे से ऊपर करेंगे ताकि आपकी झुर्रियाँ ख़त्म हो जाए। ये हो गया झुर्रियों के लिए। इवन अब मान लो आपको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है, अगर आपको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आपने एलोवेरा जेल लेना है रात को सोने से पहले, और आपको एलोवेरा जेल लेने के बाद अपनी आँखों पे लगाना है। एलोवेरा जेल लिया, अब आपको इस्तेमाल करनी है ये वाली फिंगर, क्योंकि ये परफेक्ट प्रेशर देती है, ना ज़्यादा ना कम, बहुत दबाव आपकी आँखों पे नहीं पड़ेगा। इस तरीके से आपको अपनी स्किन पे, अपनी सॉरी आँखों पे मसाज करना है, ये आपकी दाग धब्बों की सॉरी डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम जो है ख़त्म करेगा। काफ़ी टॉपिक है ना, तो मुझे कन्फ्यूज़न हो रही है। तो इस तरह से आपको डार्क सर्कल्स पे भी लगा लेना है, और साथ साथ आपकी झुर्रियों पे भी, अगर आँखों पे झुर्रियाँ भी हैं, आँखें ढीली हो गई हैं, आँखों की स्किन, तो उसको भी ख़त्म करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अगर आपको पिंपल्स बहुत आते हैं, तो 1 हफ्ते तक लगातार रात को सोने से पहले एलोवेरा जेल की अपने चेहरे पर लेयर सी बना लो, सुबह में उठकर अपना चेहरा नॉर्मल पानी से धो ले, आपके चेहरे की पिंपल्स की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अब बात आती है कि नेचुरल ब्यूटी, अगर आपकी स्किन जो है आप मेकअप लगा लगा के परेशान हो गई हो फेस पे, अपने चेहरे की प्रॉब्लम्स को छुपा छुपा के डेली आप कुछ टाइम के लिए एलोवेरा जेल लगाए, आपके चेहरे पे नेचुरल ब्यूटी आएगी, प्राकृतिक सुंदरता आएगी, आपको कोई मेकअप लगा के अपने दाग धब्बों को, अपनी झुर्रियों को, झाइयों को छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना पिंपल्स को, क्योंकि आपकी स्किन ऑलरेडी नेचुरली बहुत ही खूबसूरत हो चुकी होगी। इतने ज़्यादा फायदे होते हैं
एलोवेरा जल के, इसी के साथ साथ आप इसको बालों पे लगा सकते हैं। जैसे कि आपको अपने बाल धोने हैं, उससे 2 घंटे पहले आप क्या करें, थोड़ा एलोवेरा जेल ले, 1 घंटा पहले तो कम से कम आप कर ही लेना अपने बालों की जड़ों में लगाए। आपके बाल झड़ेंगे नहीं, लंबे होंगे, डैंड्रफ खत्म होगा। अगर अब बात आती है कि आपको क्या यही एलोवेरा जेल लेना है, जी नहीं, आप चाहे तो घर का पौधे वाला एलोवेरा जेल ले, चाहे तो मार्केट वाला ले, कोई भी ब्रांड का ले, नो प्रॉब्लम। बस आपने एलोवेरा जेल लेना है और जैसे मैंने आपको बताया वैसे इस्तेमाल करना है, सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो जाएंगी सिर्फ एक एलोवेरा जेल के साथ। ध्यान रखना ये है कि मैंने बताया क्या है, कैसे यूज़ करना है, इसी तरीके से आपने इस्तेमाल करना है और बहुत ही जल्दी आपकी स्किन बिल्कुल बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी, नोटिसेबल होगी, हर कोई पूछेगा आप करते क्या हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आती हूँ, उसके लिए आपको सिर्फ बदले में क्या करना है, सिर्फ लाइक कर देना है, आपका कुछ नहीं जाएगा, मुझे ढेर सारा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाने का। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।